इमरान खान ने अपनी चालाकी से क्या किया, इमरान खान जीत गए और हुकूमत हार गई। हामिद मीर ने बड़ा दावा कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर का कहना था कि हुकूमत की अलकादिर ट्रस्ट केस से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। हुकूमत समझती है इद्दत में निकाह केस में भी इमरान खान बरी हो गए तो अलकादिर ट्रस्ट में भी फंस जाएंगे। इमरान खान का फिलहाल बाहर आना मुश्किल नजर आता है। इमरान खान के खिलाफ नए केस बनाने की भी तैयारियां की जा रही हैं। इमरान खान खुद अभी रिहा होने के लिए तैयार नहीं हैं। इमरान खान जो भी करेंगे जेल से बैठकर करेंगे। हामिद मीर ने कहा कि ये साइफर केस की एक हकीकत है। बेशक अब इमरान खान कहते हैं मेरे खिलाफ अमेरिका ने नहीं जनरल बाजवा ने साजिश की, लेकिन तो जब इमरान खान बार बार कहते थे कि ये एक हकीकत है तो मैं कैसे कह दूं कि साइफर हकीकत नहीं है। हामिद मीर ने मजीद कहा कि हुकूमत को साबित करना था कि इमरान खान ने जलसे में जो कागज लहराया वो साइफर था। इमरान खान को सजा दिलवाने के लिए अदालत में साइफर पेश ना करना हुकूमत की कमजोरी है। ये एक लीगल केस नहीं था, इसे इमरान खान ने अपनी चालाकी से सियासी केस बना दिया और सियासत में इमरान खान जीत गए और हुकूमत हार गई।